न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आयोजित बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बहुत कम समय में आम जनता को उत्कृष्ट उपचार सेवाएं देकर उनका विश्वास जीता है। अनेक गंभीर रोगों का यहाँ सफलतापूर्वक उपचार हो रहा है। कई जटिल ऑपरेशन यहाँ के कुशल डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक संपन्न करके रोगियों को राहत दी है। छोटी मोटी कमी के कारण अस्पताल की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। अधीक्षक अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक रखें, दवाओं तथा आवश्यक उपकरणों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें। इनकी कमी के कारण यदि रोगियों के उपचार में किसी तरह की बाधा आती है तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। दवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंधित संस्थाएं यदि समय पर आपूर्ति नहीं करती हैं तो उनके विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करें। दवाओं तथा उपकरणों की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं। हमारा उद्देश्य रोगी को सर्वोत्तम उपचार सुविधा देना है। इसमें किसी तरह की कमी होने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर तथा चिकित्सा कर्मी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को उपचार के आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। इसमें जो भी व्यक्ति बाधक बनेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। दवाओं की आपूर्ति के लिए हर महीने मांग के अनुसार व्यवस्था रखें। कम से कम 3 माह की दवाएं तथा अन्य केमिकल स्टोर में भंडारित रखें। संबंधित विभाग के डॉक्टर की मांग के अनुसार उसे उपलब्ध कराएं। दवाओं तथा अन्य उपचार सामग्रियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अस्पताल के अधीक्षक तथा स्टोर प्रभारी की है। डीन समस्त व्यवस्थाओं में समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करें। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही बरत रहा है तो उसे नौकरी से बाहर करने में देर ना करें। अस्पताल की व्यवस्था को बिगाड़ने का जो व्यक्ति प्रयास करेगा उसे दंडित किया जाएगा। बैठक में डीन डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर बीडी त्रिपाठी तथा अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।